आज का विषय है शिक्षा का उन्नयन, यानी जो शिक्षा में गिरावट आ गई है इसमें तरक्की कैसे हो। तब मैं भारत की भूमिका से मैं ये बात शुरू करूँगा। किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास, हित और कल्याण के लिए अनेक चीज़ों के साथ दो मूल आधार होते हैं, एक शिक्षा, दूसरा आर्थिक संसाधन। ये दोनों जिनके पास वो आगे बढ़ जाते हैं और जिनके पास नहीं है वो पीछे हट जाते हैं। हमारा देश दुनिया के देशों में शिक्षा की दृष्टि से अग्रणीय था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, 10,000 लोग छात्रावास में रहते थे। इनको नष्ट कर दिया मुसलमानों ने, आज तक सिलसिला चला गया पाकिस्तान में। नालंदा अभी है और वो विश्वविद्यालय पुनर्जीवित हो गया है और 6 देश दुनिया के उसको मिलके आपने सहयोग किया है। तो भाइयों, शिक्षा में भी हमारा देश बहुत आगे था। हमारे देश का संसाधन खेती, ये दुनिया के अग्रणीय देशों में से था। 80% जनता हमारी गांव में रहने वाली वो खेती के ऊपर आधारित थी और कहते थे उत्तम खेती मध्यम माल, अदम चाकरी भीख निदान। लेकिन हमारे देश की हिंदुओं की जो सामाजिक व्यवस्था बनी या उन्होंने जो बनाई जन्म के आधार पर और वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण बनाते तो कोई बात नहीं थी, उनके अधिकार और कर्तव्य बांट दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को तो अधिकार दिए लेकिन शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, उन्हें केवल कर्तव्य दिया, सेवा और निर्वाह का काम दिया। लिहाजा शिक्षा और आर्थिक संसाधन से ये लोग वंचित हो गए, राष्ट्रीय मुख्य धारा से निकल गए। इनका तो नुकसान हुआ लेकिन देश का भी बड़ा नुकसान हुआ। भाइयों, जब देश की आज़ादी की लिए अंग्रेजों के खिलाफ बबुल बन गया 1957 में, उस समय आर्य समाज ऋषि दयानंद जी का यहाँ पर प्रभावी ढंग से काम करना था। उन्होंने पहले समाज सुधार की बात सोची, इसलिए कहा कि ये छुआछात खत्म होनी चाहिए, फ्री बोर्ड कराए और शिक्षा का दरवाजा सबके लिए खुलना चाहिए। पहली बार लाहौर से लेकर कानपुर तक देवी स्कूल के नाम पर सैकड़ों संस्थाएं खोल दी गई, महिलाओं के लिए गुरुकुल खोल दिए गए और इन दलितों के लिए भी प्रवेश पास शिक्षा का खुल गया। भाइयों, उसके बाद ही फिर तो हमारे देश के जो और अमीर लोग थे उन्होंने भी शिक्षण संस्थान बनाए, उन्होंने भी प्रवेश पास खोल दिया और लोग शिक्षा पाने लगे। आज की और उस समय की शिक्षा में अंतर यह है, आज़ादी से पहले शिक्षा समान थी, आज की शिक्षा असमान है। तो भाइयो, वो शिक्षा जब चलती रही एक ही दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रादुर्भाव हो गया, उन्होंने भी पहला सम्मान दिया शिक्षित बनो, और शिक्षित बनो का केवल सम्मान नहीं दिया, उन्होंने इसके लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई और उसके माध्यम से शिक्षा संस्थानों का निर्माण और संचालन और प्रचार और प्रसार किया। इसके साथ बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, संगठित हो, ये तीनों काम ये कौन सी संस्था करे, इसके लिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, जिसका निशान नीली टोपी, नीला झंडा, जय भीम का नारा और हाथी का निशान और सबके जितने ये काम सौंप दिया कि आप इन चीज़ों का प्रचार करिए। हमारे उस समय बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर वो थे जिनके अंदर समाज की चेतना जागृत करने की और जिज्ञासा थी। ऐसे लोगों ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को संभाला। दो विद्यार्थी उस समय एक आगरा में और एक अलीगढ़ में थे, ये भी कूद पड़े मैदान में, एक आज हमारे बीच में नहीं है श्री बुद्ध प्रिय मौर्य और दूसरा आपके सामने खड़ा है संघ प्रिय गौतम। भाइयों, सन 1946 से और 1971 तक 25 साल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, संता सैनिक दल
उसके बाद बाबा साहब के कंसीप्ट में बदल पार्टी और फिर बुद्ध धर्म इन सब के प्रचार प्रसार में समय लगाया। जब ये चल रहा था शिक्षा का क्रम, बरधामे भिगवा भावे के आश्रम में महात्मा गांधी और डॉक्टर धर्मेंद्र हुसैन, उन्होंने कहा शिक्षा का पैटर्न बदलना चाहिए। लिहाजा उन्होंने बरधामे और एक शिक्षा योजना बनाई, उसका नाम भी है वर्धा शिक्षा योजना। और उन्होंने कहा ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए, काम दिलाओ शिक्षा होनी चाहिए। उस समय कक्षा चार तक प्राइमरी स्कूल होते थे। ये सन 42 में बनी, हमारे हेड मास्टर त्रिवेदी के आए, 43 में मैं कक्षा चार का विद्यार्थी था हजरतपुर के प्राइमरी स्कूल में। उस समय उन्होंने दिखाया, बताया, सुनाया, मिट्टी के खिलौने बनाओ, लकड़ी के खिलौने बनाओ, कागज के खिलौने बनाओ, कागज से अग्नि बनाओ, किताबों पर जल्द से जल्द छिछड़ा और तकनी से सूत काटो। हम तकनी समझते नहीं थे, मास्टर जी ने दिखाई तकनी और सामने बैठ गए और बोले देखो मैं सजाऊ कैसे छलाना और उसके बाद में कागज लगाना, तो दो लाइन चार लाइन सुनाऊंगा। मेरा भाई चतुर सुजान रंगीली तकली लायो, तकली भुनर भुनर भन्नावे, वो सागर गीले गावे, रे अनोखी मारे तान रंगीली तकली लायो। जब मेरे भाई को लागे धारा मैं कांत बुनाए दूंगा, वो तो सोए जा धरतान रंगीली तकली लायो। भाइयों ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रारंभ हुई कि भाई काम मिलना चाहिए पढ़ने के बाद में। और इसके बाद में जब बड़ी जोर शोर से शिक्षा का प्रचार हुआ, कई देश के अमीरों ने अगुआ लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल खोल लिए और उनका नाम पब्लिक स्कूल रख लिया। भाइयों शिक्षा तो बढ़ी लेकिन शिक्षा में अंतर कितना हो गया, यानी पब्लिक स्कूल बिल्डिंग भी अच्छी है, यूनिफॉर्म है, फीस ज्यादा है। और अब तो ये स्थिति है कि आप अगर इसमें पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो आपका इंटरव्यू नहीं लेते, बताते तुम्हारे माँ बाप बताओ वो कितने पढ़े लिखे, पढ़े लिखो के बच्चे पढ़ेंगे फिर वो होमवर्क देंगे, उसके लिए झूठा लगाना पड़ेगा, फीस भी बहुत ज्यादा है। और उधर जो प्राइवेट स्कूल सरकारी है ना तो उनमें अंग्रेजी है, ना उनके बच्चे माँ बाप पढ़े लिखे, ना वो ट्यूशन पढ़ा सकते। ये बड़ा भारी फर्क और शिक्षा के अंदर पैदा हो गया, दोहरी शिक्षा नीति इसको कहते हैं। लेकिन अब तो तेहरी शिक्षा नीति है, यानी सरकार के केंद्र के देखिए या विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये पब्लिक स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संचालित होते हैं, सीबीएसई, उसका सिलेबस अलग है, उसका कोर्स अलग है। और ये केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन इनका सिलेबस और इनका कोर्स अलग है, ये एनसीईआरटी का है और दोनों में जो है अंतर है। और ये स्कूल वाले ना तो ये होमवर्क देते और ना फिर चलिए ट्यूशन लगता है, और इसमें कुछ लोग लॉटरी से बच्चे दाखिल हो जाते हैं, वो रिक्शा चालक गरीब वगैरह पढ़े लिखा था भी उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो कहता है घर पे शिक्षा में बड़ा भारी अंतर हो गए। अब इसलिए आज आवश्यकता ये पड़ी कि ये शिक्षा का अंतर कैसे समाप्त हो और शिक्षा का उन्नयन कैसे हो। भाइयों मैं 3-4 मिनट में अपनी बात जल्दी जल्दी कहकर खत्म कर रहा हूँ। नंबर एक का एक तरीका यह है कि फ्री कंपल्सरी यूनिफॉर्म एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, आवश्यक शिक्षा, समान शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को हो जाए, फिर आरक्षण की भी कोई जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ये कोई करेगा नहीं, फ्रांसीसी चले गए, पुर्तगाली चले गए, अंग्रेज चले गए, मुसलमान गोलाल हो गए, और वे हिंदू जिन्होंने ये नीति बनाई थी आज
तब फिर ये कि भैया सीबीएसई बोर्ड भी अलग हो, एनसीईआरटी भी अलग हो, लेकिन कोर्स और सिलेबस दोनों का एक सा हो। तो भाई एक शिक्षा का अंतर खत्म हो सकता है, शिक्षा का उन्नयन हो सकता है। और तीसरा यह है कि ये प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा कैसे इनमें भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए शुरू से, और इनका वेतन मान टीचर्स का मान दे पढ़ाया जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा, इसके लिए आंदोलन, प्रदर्शन, सत्याग्रह, रैली, वॉल राइटिंग, पैम्पलेट, पोस्टर, लाउडस्पीकर से प्रचार, ये धरने, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इसके लिए आपको एक संस्था बनानी होगी, शिक्षा और शिक्षा उन्नयन अभियान समिति। और ये समिति का निर्माण कैसे होगा, आप उसके द्वारा, ये आपको करना होगा। आप जितने भी हो अध्यापक, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करना पड़ेगा, हम एक एक गांव को गोद ले रहे, जिस गांव के रहने वाले और जिस गांव भैया ये बात हो रही है, हम यानी गांव गोद ले रहे। इतवार की छुट्टी अपने लिए, त्योहार की छुट्टी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ये पर्यटन के लिए, और एक महीने की जो जून की छुट्टी मिलती है ये समाज के लिए, ये अपने गोद में लिए हुए कामों के लिए। और आप भी जानते हैं आप क्या करेंगे, अपना झोला ले जाइए, आप अपने झोले में और अपना साबुन, तेल, तौलिया, शीशा, कंगा, सुरमा, दानी सब ले जाइए, और थोड़ी सी टोपी भी ले जाइए, और गाँव में रहिए। पहले तो सबसे मिलिए और कहिए भैया बच्चों को पढ़ाओ। अब आप कहेंगे सब बच्चों को क्यों पढ़ाने, देखो हमें देखते हम बाबू हैं और कैसे पढ़ाने। 1945 जब दुनिया की चौथी लड़ाई छिड़ी तब बड़ी भारी भर्ती हुई और क्लास फोर की भर्ती हुई। हमारे गांव में आए लोग तो कह रहे भर्ती है जाने सामलिया तेरे पास खड़े रंग रूप। अरे यहाँ तो पहले फटे थी खड़े बाप पहले को सूट, और यहाँ तो पहले फटे थी खड़े बाप पहले को बूट। भर्ती है जाने सामलिया तेरे पास खड़े रंग रूप। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ऐ मेरे बच्चों के बाबा, तुम जब इन बच्चों को पढ़ाओगे ये मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, नेता बनेंगे भाइयों, और फिर अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे। बोले बात तो बहुत अच्छी है साहब, लेकिन हमने तो पैसा नहीं है। तो आप कहिए देखो पैसा मैं जानता हूँ नहीं, क्यों नहीं है, तुम्हारे पास उद्योग रहते नहीं है, तुम्हारे पास खेती नहीं है, तुम्हारे पास पसंदने का क्या हुई बात है। मैं अवशेखी भी नहीं बात था, 18-18 घंटे लगातार प्रदर्शन किया है मैंने, ये शिक्षा बनी जाती ये जो सरकारी उसमें थे। तो भाई लड़ाई कौन लड़ता था इनकी, अब ये हमारी लड़ाई लड़े उस समय हम इनकी लड़ाई लड़ते थे। तो भाई सोचना ठीक है ना, तो भाइयों ओ कहेंगे भैया ये पैसा कहाँ जाएगा, तो व्यापार भी मिली, तुम्हारे पास दस्तकारी थी, कुछ तो चीज का माल आ गया, उसने तुम्हारी छीन ली और बाकी मुसलमान छीन ले गए, अब तुम्हारे पास दस्तकारी भी नहीं है, फिर क्या रह गया, सरकारी नौकरी, नौकरियों का हो गया प्राइवेटाइजेशन और हो गया कंप्यूटराइजेशन, लिहाजा नौकरियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो फिर क्या काम रह गया, एक काम रह गया लेबर, मजदूरी, लेबर करो भाई, लेबर को भी पैसे काफी मिल जाते, लेकिन सीजनल होती है, परमानेंट नहीं होती। तो फिर भाई क्या करो, भैया इस पैसे पैसे बचाओ, कैसे बचाओ, जिंदे बाप आपकी सेवा करो, मरने के बाद तेरहवीं की दाल पर पैसा बर्बाद मत करो, शादियों में दहेज का लेन देन मत करो, पैसे को बर्बाद मत करो, लेकिन वो जान भी पछौते की जाग लगा ले जाओ होम, और ये जागरण मत करो, और इसके प्रसाद बर्बाद मत करो। इसके बाद में भैया रात में शादी मत करो, दिन में शादी करो, रात की शादी में खर्चा और बड़े शादी
संख्या में होती है। ये डीजे को देके बच जाओ, ये भार की छा है, ये डीजे तो है लड़के लड़कियों को भरवा दे, काम है आदमियों को मरवा दे जो है ये। और भाइयों जो एक चीज है जो तुम पर भी लागू है, थल्ला शराब मत पी, बर्बाद हो जाओ। और कोई आदमी आप वैसे परेशान करने नहीं जाता। अरे भाइयों आपने समाज को गैया छुड़वा दी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर लड़ाई लो और अधिकारों के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और सब काम छोड़ो, बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से शिक्षा का उन्नयन होगा। भाषण देने से नहीं होगा। बाबा साहब की जयंती पे बाबा साहब की बात बताओ, बुद्ध जयंती पे बुद्ध धर्म की बात बताओ। आप शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के लिए काम है, शिक्षा के बारे में बात बताओ, शिक्षा का उन्नयन कैसे होगा विषय पर बोलो। भाइयों मैं आप सब लोगों का जो जिन्होंने आयोजन किया है मैं बड़ा आभारी हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। आप सब अध्यापक हैं, आपने चलने से ये सब काम अपने से किया है, पब्लिक से नहीं लाए। मैं भी अध्यापक रहा हूँ, ये 500 रुपये अपनी तरफ से मैं आपको चलने में दूँ तो भैया, और अपनी बात को समाप्त कराऊँ सबका धन्यवाद।